के साथियों, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, समय थोड़ा कम, लेकिन आप सबसे आग्रह पूर्वक कहने के लिए आया हूं कि आपकी उपस्थिति ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो देश में परिवर्तन की बयार रही है वह बयार और तेज होगा। आपकी उपस्थिति ने बताया है, जब उसे कोई रोक नहीं सकता, और 17 लोकसभा में भी परिवर्तन होगा, 5 विधानसभाओं में परिवर्तन होगा, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। इतनी जोरदार उपस्थिति, और हमें लगता है कि पहली बार 17 लोकसभा में इतनी संख्या में लोग आए हैं, आज सबके कारण खड़े हो गए। और मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूं, हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे विश्वास है कि जो बाबूलाल मरांडी ने संकल्प लिया है, हम सब उनके नेतृत्व में जो संकल्प लिए हैं, इस राज्य से भाजपा को मुक्त करेंगे, 17 उसी का 10 कदम आगे रहेगा। मैं बाप के साथ भाजपा मुक्त यानी दंगा मुक्त, भाजपा मुक्त यानी अमन चैन शांति से झारखंड मुक्त, ये झारखंड हमें चाहिए। 4 वर्षों में क्या मिला दीजिए, 17 को क्या मिला, हमें याद है 17 का लोग, 17 का वो नौजवान जिसका नाम सलमान था, रमजान के 2 दिन पहले उसको गोली मारी गई। क्या मैं गलत हूं कि सही, जरा बताइएगा, जरा आवाज उधर से बताइए, सही है कि नहीं। देश के इतिहास में 17 में कभी नहीं हुआ होगा कि रमजान के 2 दिन पहले किसी मुस्लिम नौजवान को गोली मारी गई। वो दिन भी हमने देखा है, हमने वो दिन भी देखा कि झारखंड विकास मोर्चा के नेता हमारे मुखिया चंद्रिका यादव की हत्या हुई, हत्या ने उसको पकड़े नहीं गए। वो दिन भी हमने देखा, एक एक नौजवानों की मौत हो रही है, गोली से घूमा जा रहा, दीन दहाड़े रांची में हत्या हो रही है। इसलिए हमने कहा भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं ताकि अमन चैन और शांति आ जाए, चक्रा की लोग धीरे रात में भी गहरी नींद से सो सके, वही है झारखंड का। और वो हम लोग मरण भी दे सकता है, और आपकी उपस्थिति ने यह प्रमाणित कर दिया। और यही बात मैं कहने के लिए आया कि 4 वर्षों में चाहे दिल्ली की सत्ता हो या झारखंड की सत्ता हो, दोनों में एक ही काम है, वोट की राजनीति, वोट की राजनीति, और दूसरा काम चमकार पर ग्रहण होता था, तीसरा कोई काम नहीं किया। वोट की राजनीति में कभी हम जिहाद के नाम पर, कभी 2 हफ्ता रोकने के नाम पर, और तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, जिनकी जिक्र करूं आपको, कभी 3 तलाक के नाम पर, 3 तलाक की जब इन्होंने बात कही भाजपा के नेताओं ने, तो हमने एक कविता लिखी, 2 पंक्ति आपको सुनाता, वो कविता यह थी, हमने कहा 3 तलाक तो तुम खूब चिल्लाते हो, 3 तलाक तो तुम खूब चिल्लाते हो, तुमने जो चुपके से तलाक दे रखा उस पर क्यों चुप हो जाते हो, 3 तलाक तो तुम खूब चिल्लाते हो, तुमने जो चुपके से तलाक दे रखा है उस पर क्यों चुप हो जाते हो। ये तो वही हुआ कि थर्रा पीने वालों को सलाखों में डर कर कड़ी सजा दिलाते हो, और रात में तुम अंग्रेजी पीकर मस्ती में सो जाते हो। क्या यही कहानी है, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी लफ्ज जिहाद के नाम पर, कभी 2 हफ्ता रोकने के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमानों में तफरका करके, कभी आदिवासी गैर आदिवासियों में तफरका करके, कभी अगले और पिछड़ों में तफरका करके पूरे देश को भयाक्रांत कर दिया, झारखंड को भयाक्रांत कर दिया। हम खत्म हो गई त्रिपुरा की घटना को सुनिए, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा, जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान के हम कसम खाते हैं, जिनके इशारों पर देश चलता है, उनकी मूर्ति तोड़ डाली, जिसने देश की आजादी हमारे हाथों में दिया, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ डाला। अब किसको तोड़ेगा, इस देश को दाग दाग कर दिया, जो तिरंगा स्वच्छ था पूरी दुनिया में,
हम छुटकारा चाहते हैं, ऐसे लोगों के हाथों से भारत को निकालना चाहते हैं। और अमर उतरेगा और शांति देने वाला भारत और झारखंड, झारखंड का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी जी के हाथों में देना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके बीच आए। इनकी बात कहने में भी शर्म लगती है कि कहे तो कौन सी बात है। चंद दिल्ली के काम और घरानों के काम करने वाले लोग इनके काम करते हैं, अडानी के, अंबानी के, इनके एक एक नियम, एक एक तरकीब, एक एक नीतियां उसी के सेंटर में रख के बनती है, केंद्र में रख के बनती है। देखने में तो लगता है कि यह आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता के लिए एक काम नहीं है। जरा याद कीजिए जनधन योजना, आप सबके ध्यान में होगा क्या कहा था, खाता खुलवाओ खाता खुलवाओ, सबने खाता खुलवाया, 15 करोड़ खाते खुले पूरे देश में। पहले क्या कह के खुलवाया, जीरो बैलेंस पर खाता खुलकर गलत की सही, जरा हम भी पहले आगे बगल में बैठे हैं, खाता खुलवाया कि नहीं जीरो बैलेंस पर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कम से कम 2000 रुपया खाता में रखना होगा, नहीं तो खाता बताइए क्या तमाशा है, ये जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है। और मेरे भाइयों, 1000 से कम यदि आपके खाते में रहा तो प्रत्येक महीना 23 रुपया कटेगा आपके खाते से, पता है कि नहीं, 23 रुपया कटेगा आपके खाते से। देश के आजादी के बाद यह तो अंग्रेजी हुकूमत में भी देखने को नहीं मिला था, देश के आजादी में भी कभी देखने को नहीं मिला कि गरीबों से टैक्स लेना, इस प्रकार जबरदस्ती वसूल नहीं करना, ये काम है। आप खाता में 2000 करके रुपया रखिए, अरबों खरबों आएगा। अमित शाह का, मोदी जी का कोई नीरा मोदी ऊपर लेकर के भाषा है क्या, गलत की सही, यही तमाशा है। योजना आपके नाम पर, जनधन योजना जनता की योजना, लेकिन पैसा लेकर घुट कर जाएगा मोदी जी का, इसीलिए जनधन योजना चल। एक एक योजना का आप नाम लीजिए, मैं एक एक योजना आपको बता सकता हूँ, बात समय नहीं, लेकिन इतनी बात आपको जरूर कहना चाहूंगा। उजाला योजना, उजाला योजना के 2 प्रकार, पहला कि आपको फ्री गैस कनेक्शन देगा और दूसरा एलईडी बल्ब देगा। दोनों केंद्र में है, उनके काम पर धरा के लोग कहता है 1 महीना फ्री गैस और साल भर फिर अपना खरीद के आपको जलाना है चूल्हा, इसलिए कि आप 400 पहले का जैसे ही कनेक्शन दिया 800 कर दिया, सब लफा अदानी और अंबानी को जाए, इसलिए गैस कनेक्शन दिया उन्होंने गरीबों को। पहले उसका गैस बिकता नहीं था, अब सोचता है चूल्हा ले लिया तो मजबूरी है गैस लेना। मेरे भाई, उसके केंद्र में भी वही काम पर खरीद के लोग थे, एलईडी बल्ब, 2 बल्ब खरीद आपको सस्ते दर पर एलईडी बल्ब मिलता था, 90% आपको छूट मिलती थी। और क्या कहा, बिजली विभाग ने कि 3 बरस की गारंटी देंगे, कंपनी का क्या नाम था, ईईएसएल, 96 लाख पिछले साल बल्ब बिका पूरे प्रदेश में 96 लाख। मेरे भाई, बल्ब तो बिका, 3 साल की गारंटी दिया, बल्ब जब आपके फ्यूज होने लगे तो जब लोग कार्यालय पहुंचे, बिजली कार्यालय पे बोला बल्ब नहीं बदला जाएगा, साइन बोर्ड टांग दिया, यह क्या करके कि बल्ब बेचने वाले का क्या खराब है, यही सच है। यानी उसके भी केंद्र में, उसके भी सेंटर में जब काम पर धरा का बोला करना था, आपको बिजली का बल्ब नहीं देना। मैंने भाई एक योजना देखिए, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, किसी को पैसा नहीं मिला किसानों को, लेकिन भारत सरकार का जो सांसद का रिपोर्ट पेश हुआ, वहां सेंट्रल हाउस का जो रिपोर्ट पेश हुआ, मैं उसकी कहानी आपको बताता हूं कि किसानों से प्रीमियम के रूप में जो 10 रुपया आप कहते हैं, जिसके बदले फसल में आपकी बीमा होती है, ये जो रिपोर्ट है सीएससी का रिपोर्ट, में उसको लेकर के आपके पास आया कि सीएससी के रिपोर्ट में कहा कि पूरे राज्य में 2017 में कितनी प्रीमियम वसूली हुई, 15,000 करोड़। किसानों ने दावा किया 6,000 करोड़ कि हमको मिलना चाहिए, हमारे फसल बर्बाद हुए, किसानों को मिला पूरे देश में 2,000 करोड़, 13,000 कंपनी के खाते में करोड़ चला गया। ये भी किसानों के लिए योजना नहीं थी, ये योजना भी उस
एजेंसी के लिए था जो फसल बीमा के आपके प्रीमियम लेकर के बैठे बैठो भाई। एक ही योजना जिस तरह भाग डालिए उन योजनाओं के पीछे हो रही है। राष्ट्रीय अभी कह रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना दुनिया में सबसे बड़ी योजना लेकर के प्रधानमंत्री इस बार बजट में आए। कहता है कि एक व्यक्ति को 5 लाख का उनके स्वास्थ्य का बीमा हो जाएगा। उसके पीछे भी वही कहानी छिपी हुई है, उसके पीछे यही कहानी छिपी हुई है कि कंपनी आपके बीमा को पैसे के लेकर जाएगा, आपका 10 रुपया का इलाज 1000 रुपया में होगा और मुनाफा उस कंपनी को जाएगा, बीमा एजेंसी को जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों को जाएगा। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके अस्पताल की हालत जस की तस बनी हुई रह जाएगी। जिन योजनाओं को आप देखे, जिन नीतियों को देखे, झारखंड सरकार का सीएम की एसपी की चर्चा भी कर रहे थे बंधु जी, हल्के में बोल के चले गए, हमें लगा कि पूरी बात को कह के जाएंगे, बड़े अच्छे बोलते हैं उस पर कि मैं सीएम की एसपी में परिवर्तन क्यों हुआ, तो करने का प्रयास किया क्योंकि आपकी जमीन उन कारपोरेट घरानों को उन्हें देने का, अभी भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके भारत सरकार के पास भेजे, भारत सरकार ने एक बार लौटा दिया फिर भी रखवाची नहीं माने, क्योंकि किसी से उन्होंने वादा करके रखा है कि जब तक हम रहेंगे उसमें परिवर्तन कर देंगे ताकि बेहिचक का खाली मौकी जमीन को ले सके। अभी लैंड बैंक बना है पूरे प्रदेश में, जो गरीब 50 साल से 60 साल से 40 साल से जिस पर खेती कर रहा था अपना घर बना हुआ था, खास गैर मजूर गाँव का पहला अधिकार बनता है गरीबों का, उस जमीन को सरकार ने छीन लिया, अपना रसीद कचरा बंद हो गया और वो जमीन अब कारपोरेट घरानों को दी जा रही है। आपने सुना होगा एक 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 उनके चीजों को देखिए, स्थानीय नियोजन नीति जो थोड़ी चर्चा किया गया दूसरी में, जो बाबू मरंडी ने कहा कि मैं झारखंड की कौन होगा, 2001 में मुझे भी इनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहने का मौका मिला था, हम सबों के सामने सवाल आया, बाबू बाबू ने गए ही एक पंक्ति में उसकी परिभाषा दी, जो झारखंड का खतियानी रैयत होगा वही झारखंड की कहना है, बाबू बाबू ने एक पंक्ति में उसकी परिभाषा दी और बोला उसी के बेटा बेटी को पहला हक होगा झारखंड में नौकरी करने का। रघुवर जी आए उसको बदल दिए, बोला 15 साल से जो आ गया सब झारखंड में, हमने विधानसभा में कहा रघुवर जी हम लोग जो 1000 बरस से रह रहे थे लोटा खा लेके जगन्नाथपुरी चले जाए, बोला कहाँ चले गए, 1000 बरस से रहने वाले लोग जिनके पुरखे यहाँ चले गए, जिनकी जमीन है जायदाद है रहती है, आज उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बाहर के लोग हमारे नौकरों को लूट रहे, हमने कहा एक एक नीति इनकी झारखंड के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है, किसकी चर्चा करें, इससे भी उनका पेट नहीं भरा और कह रहे कि छात्रवृत्ति में कटौती कर दिया और कर दिया, जिनको 50,000 छात्रवृत्ति मिलता था बीएड में पढ़ने वाले बच्चों को अब उनको 15,000 मिलता है, जिनको 16,000 मिलता है उनको 3600-3700 रुपया मिलता है, बोलता है पैसा नहीं है, हमें इधर के लिए पैसा नहीं उधर के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, इससे भी पेट नहीं भरा। देश में यह पहली सरकार है, मैं भी शिक्षा मंत्री है ना, बंधु जी भी शिक्षा मंत्री रहे, सब सरकार आई स्कूल खुलवाया, यह पहली सरकार है जो कह रहा है स्कूल हम बंद करें, क्या आपके यहाँ भी बंद करने की बात हो रही है कि नहीं, बोली उस गांव को पता कि नहीं उस पारा शिक्षक को हम एडजस्ट कर देंगे, हमने बोला पारा शिक्षक के लिए स्कूल खुला कि बच्चों के लिए खुला, स्कूल तो बच्चों के लिए खुला था, आखिर वहां के बच्चे जाएंगे कहां, कई लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं, उन 9,000 स्कूल बंद करने वाला है और हम चुपचाप बैठे रहे हैं, ये तो बर्दाश्त के बाहर बात है। इस देश में पहली सरकार है जो सरकार स्कूल बंद कराती है और गरीब मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाती है, गरीब मोहल्लों में शराब की दुकान खुलवाती है और स्कूल बंद कराती है। हमारा एक दोस्त है संजोग से आदिवासी है, वो डीएसपी एक बार रांची में एक दिन फोन पर उससे बात होती है, फिर हमने उसको फोन किया, हम बोले कहाँ हो जरा आते, जैसे ही जब सब होता बोला यार बड़ी खतरनाक जगह पर, हम बोले कहाँ हो, बोला ऐसे जगह पर है कि फोन पर बोलने में भी शर्म लगता है, कहते बोल तो दो, बोला शराब की दुकान पर से रांची लेके लाई में शराब पिला रहे सरकार का,
वो बेलाई से नहीं पीने लाई नहीं पीना कम से कम दो बोतल पीना मैंने भाई नहीं पी सकता। इस सरकार के बारे में क्या कहे, कौन सी बात कहे, कहने में भी शर्म लगता है। एक एक कहानी है इसकी। आप देखेंगे कि प्रस्तावित बिजली बिल कितना आ गया, जो 7 रुपया था कॉल जलाने वाले लोगों को 7 था, जरा थप्पड़ बजाकर सब लोग 7 दाम 7 था। जिसको मीटर नहीं है मकान खोल के 7 रुपया पहले लगता था, रघुवर सरकार 700 रुपया ले रहा था। और साल में कितना हुआ, बरसात है 84,8,400 क्या, यानी बिजली बिल में 8,400 कौन गरीब देगा। जिसको मीटर है मीटर वाले का खोल के सुन लो, पहले 1.25 रुपया पर यूनिट था, अब 6.5 रुपया से 7 पैसा पर यूनिट लगेगा। क्या पदार साहब, ये सरकार प्रस्तावित रेट लगा रहा है, स्वीकृति हो गया, हम लोगों ने आंदोलन की धमकी दिया, रुका हुआ है। और 2 तारीख से बाबू बाबू ने घोषणा किया है कि 2 तारीख से 13 तारीख यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती ठीक है 1 दिन पहले तक पूरे राज्य के प्रखंड मुख्यालय को घेरेंगे। और सरकार को यह जो जन विरोधी निर्णय है बिजली बिल बढ़ोतरी का, उसको वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। आपका सहयोग करिए, ये बात आपको बताने के लिए सारे कुटीर उद्योग बंद हो तमाशा करते हैं इस सरकार का। आप देखिए शहर में रहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी शहर का चुनाव है, कुत्ते को वोट दे देना, भाजपा के प्रत्याशी को वोट दे देना मत देना। होल्डिंग चार्ज से भी पेट नहीं भरा तो बोला यूजर चार्ज लगेगा। क्या शहर के लोग होंगे कोई यूजर चार्ज लगेगा कि नहीं, हम पूछे उनके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूजर चार्ज का मायने क्या हुआ जी। बोला सर यूज करने वाला यूजर चार्ज जनता का कैसे पॉकेट से शोषण किया जाता है, ये तमाम चीजें सरकार का है। और बड़ी बड़ी बात किसी सभा में देखिए, रघुवर जी को बेचारे नाक नीचे और कितनी जोर से बोलते हैं सुनिएगा, बोलता है हम इस राज्य में नौजवानों का कौशल विकास कर रहे हैं, हुनर पैदा करा रहे हैं, हुनर पैदा होगा मेरा नौजवान देश के किसी कोने में जाकर दुनिया के किसी कोने में रोजगार कर सकेगा। हम लोग दिन मेरे साथ ट्रेन पर दिल्ली जा रहे थे, हम कहे रघुवर जी तुम्हारा बोलिए, हमने कहा कि जहाँ 3 साल पॉलिटेक्निक में पढ़ाई होती है वह पॉलिटेक्निक तो बैठ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से इंजीनियर बनता हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपका बैठ गया, ITI जहाँ से फीकर इलेक्ट्रीशियन तैयार होता है वो तो बैठ गया। बोला कैसे बैठ गया, हमने बोला आपने कभी देखा इस राज्य में 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज है सरकारी गैर सरकारी की मैं बात नहीं करता। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि 13 पॉलिटेक्निक कॉलेज में विगत 10 वर्षों से 1 जगह पर्चा नहीं है, 1 जगह प्रिंसिपल नहीं है, 19 विभागाध्यक्षों में 1 उनके विभागाध्यक्ष नहीं है। ITI सरकारी 27 है, उन 27 में मात्र 1 ITI में प्रिंसिपल है, 16 में से प्रिंसिपल नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी भारत के भरोसे पर चलता है, जहां पर हुनर पैदा होने वाला है उसका अपना भट्टा बैठा दिया और 2 महीने ट्रेनिंग देके आप हुनर पैदा करते हैं, कौशल विकास लूट है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा 1 साल में सरकार ने एनजीओ के माध्यम से ट्रेनिंग देने के नाम पर 700 करोड़ खर्च किया और आधी पैसे अपने पॉकेट में ले लिया। और वहां से जो बच्चे पढ़ के निकले, एक सच्ची कहानी आपको बताता हूँ, आप रक्षा विश्वविद्यालय को जानते होंगे, रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था, पालीकर साहब जो अभी गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया। पहले आज का 30 बच्चा निकला, उसमें बच्चियां थी बच्चे थे, 30 को बोला कि भाई तुमको हुनर पैदा हो गया, तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगा, जॉब प्लेसमेंट सीधे मद्रास की कंपनी आई थी, उसने लिखा मुझे कि विधायक जी
जिस दिन मुझे जॉब मिलने वाला था, हम मद्रास जाने वाले थे, मैं पिताजी का एक लौती बेटी हूँ, मेरे के रोंग के खड़े हो जाते हैं जब उस पत्र को याद करता हूँ। मेरे पिताजी गरीब किसान है, दोनों बैल को पिताजी ने बेच दिया। बोला बेटी तुम तो मद्रास जाओगी, सुपरवाइजर की नौकरी मिलेगी तुम्हें, तुम्हारी शादी अब दहेज का हो। बेटी गई, आंखें छल्ला जाता है जब वो बात याद आती है। 30 बच्चे गए मद्रास में उस कंपनी में, यहाँ 2 महीने तक पहले कहला बेचारे लोग 8,000-10,000 जो बांध के गए थे, बाहर में खाया, होटलों में खाया। 2 महीने के बाद बोला गार्ड की नौकरी देंगे, 6,000 रुपया देंगे। बच्चे वापस होने लगे, बोला 5,000 तो यार भाड़ा रूम का लग जाता है, 6,000 में कैसे नौकरी करे। उस बच्चे ने लिखा कि अब घर वाला मेरा क्या करेगा, बैल भी बेच दिया, मेरी शादी भी नहीं होगी, अब आत्महत्या के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं। मेरे भाई इससे सम्राट घटना क्या हो सकता है, इसलिए मैं कहने के लिए आया हूँ। ये झारखंड सरकार झारखंड के नौजवानों को धोखा दे रहा है, छल रहा है। 2019 में इस भारतीय जनता पार्टी को भी धोखा दीजिए, यही बात मैं कहने के लिए आता हूँ। जो इस तरह से नौजवानों को छलता हो, धोखा देता हो, इससे और ज्यादा क्या हो सकता है। मेरे भाई एक नहीं अनेकों कहानियां है, जिस कहानी का मैं वर्णन करूंगा। अभी वो एक नारा दिए कि तेली को क्या बनाएंगे, आदिवासी बनाएंगे। कभी कहता है घगवाल को आदिवासी बनाएंगे, कभी कहता है कुर्मी को बनाएंगे। सब राज्य वही बनाता, दूसरा कोई रैली नहीं कराता, वही पैसा का फंडिंग करता। इसीलिए देखता है कि समाज एक रहेगा तब तो हम बेजान हो जाएंगे, मेरा जड़ कहीं रहेगा नहीं। समाज को बांटो, वो किसी को आरक्षण देने वाला है नहीं। आरक्षण का तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। अभी जेपीएससी में आरक्षण का उल्लंघन हुआ, सबको याद होगा कि पीटी परीक्षा में आरक्षण का पालन नहीं हुआ। अभी कर्मचारी चयन आयोग में आरक्षण का पालन नहीं हुआ, दरोगा भर्ती की परीक्षा में आरक्षण का पालन नहीं हुआ। ये आरक्षण क्या देश है, ये आरक्षण के नाम पर समाज को बांटना चाहता है, ये आरक्षण देना नहीं चाहता, ये आरक्षण विरोधी लोग है। आईएसपी की बहाली आप सबको याद होगा, बंधु जी ने उसकी लंबी लड़ाई लड़ी है, कर्मचारी चयन आयोग और हाईस्कूल के विरुद्ध में बाबूलाल जी ने कई पत्र लिखा। ये पहली सरकार है जब हाईस्कूल की बहाली निकली, जो कॉलेज में पढ़े हुए लोग होंगे आपको कॉम्बिनेशन याद होगा। हिस्ट्री के साथ अगर हिस्ट्री ऑनर्स कोई रखता है तो कई विषयों को आप चयन कर सकते हैं, सोशोलॉजी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, कई उसके पार्ट है। लेकिन ये कहा कि हिस्ट्री में उसी की बहाली होगी जो पॉलिटिकल साइंस 7 में पास किया। बताइए ये तमाशा नहीं तो क्या है। इसके लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के पहले बेंच ने नौजवानों के पक्ष में डिग्री लिया, सरकार उसके लिए डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच में इनके विरोध में निर्णय देके आज लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। यानी झारखंड के नौजवानों को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। पारा शिक्षक तबाह है, कहता समान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई समान काम करने वाले को समान वेतन मिलना चाहिए। हमने विधानसभा में प्रश्न किया, बोला ये समान काम नहीं है। हमने बहुत सारे काम कहा कि भाई पारा टीचर पढ़ाते हैं, सामान्य टीचर क्या करते हैं, पढ़ाने के साथ पढ़ाते हैं। बताइए भाई वो भी पढ़ाता है, पारा टीचर भी पढ़ाता है, दोनों को समान वेतन और समान सुविधाएं मिलनी की चाहिए कि नहीं, जरा सभा हाल भाई कहिए बताओ, मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। ये लड़ाई कोई लड़ता है तो झारखंड विकास मोर्चा में देखे कहानी उठी है, जिस कहानी का भी वर्णन करूं, सरकार को उसकी परवाह नहीं है। सरकार को परवाह नहीं है कि यहाँ का किसान कर्ज से मर रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, उसकी परवाह नहीं है। अपनी लूट की कहानी विकास के नाम पर ये रखते रहता है। जो सड़कें बन रही है ये लूट है, लूट के सिवा कुछ नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बाबूलाल जी का बजट हुआ करता था पूरे राज्य का 2200 करोड़ का, आज एक सड़क बनती है 2200 करोड़ में। रांची की धनबाद सिंगापुर कंपनी को वो टेंडर मिलने वाला है, हमें पहले से पता है, और उसका बजट है 2200 करोड़ का। बाबूलाल जी का पूरे प्रदेश का बजट था 2200 करोड़। आज सिंगापुर कंपनी को 2200 करोड़ में एक सड़क मिलती है।
आप सब गए होंगे अगर रांची के हवाई अड्डे, तो रांची के हवाई अड्डे से आपका बिरसा चौक से राजभवन, राजभवन से ड्यूटी बोर्ड और फिर राजभवन से कचहरी चौक होते हुए बिरसा चौक, चार सड़क जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर और कितने में टेंडर हुआ आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, 1587 करोड़ यानी 1 किलोमीटर का लगभग 75 करोड़। चांदी की ईंट बिछाओ नहीं है, कतरा बिछाओ, केवल लूट ही लूट बचा है। जहां आप हाथ डालिए ये सड़क के नाम पर लूट कर रहे हैं, विकास के नाम पर लूट कर रहे हैं और कहते कि नहीं भ्रष्टाचार केवल नीचे है। हमने कहा तुमको केवल मुखिया में भ्रष्टाचार करता है, पंचायत सेवक का गला दबाते हो और वहां जो तुम्हारा सिगरेट नहीं तुम खुद पहचान लेते हो वहां पर भ्रष्टाचार नहीं दिखता। मेरे भाइयों पूरे झारखंड में लूट मचा है, विकास के नाम पर लूट है, विकास का लूट है। जहां सिंचाई की योजना होनी चाहिए वहां वो क्या बनवाते हैं, डोभा बनवाते, जहां पोखर तालाब बनाते हैं वो डोभा बनवाता है, जहां अस्पतालों को ठीक करना चाहिए उन अस्पतालों को ठीक नहीं करते, मरीज मर रहा है। आपने सुना होगा कि 3000 रुपए स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी नहीं है, 2200 में बिजली के कनेक्शन नहीं है, तबा क्या देगा आपको। मैं तो इसलिए कहा करता हूँ, आपने सुना होगा कि रिम्स में एक साल में 8,989 लोग मर गए, प्रत्येक दिन 24 लोगों की मौत हुई, आधे से अधिक बच्चे मर गए। जब रिम्स की ये हालात है तो आपके चतरा के अस्पताल की क्या हालात होगी। हमने तो कहा कि जो सरकारी अस्पताल बना है जिंदा लाश को वापस नहीं जाएगा। भाई पूरे राज्य में हाल शिक्षा बिजली स्वास्थ्य किसने दिया, आप देखिए बिजली आपको सुन के आश्चर्य होगा। जब 4 साल पहले की मैं बात करता हूँ 2000 मेगावाट बिजली झारखंड को चाहिए, पहले हम 800 मेगावाट बिजली बनाते थे, 900 मेगावाट, आज 1500 पावर को चोरी के भाव एनटीपीसी को भेज दिया, मात्र 300 मेगावाट बिजली हम बनाते हैं, 1700 मेगावाट बिजली खरीदते हैं, प्रत्येक महीने में गरीबों के हिस्से का 450 करोड़ रुपया वो आज नई नई कंपनियों को जाता है बिजली खरीदने के नाम पर, जिसको आपसे 7 लाख का शुरू कर रहे भाई। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, इसलिए असफलता को छिपाने के लिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। ये चुनाव का समय आने वाला है, तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाएगा, कभी अगला पिछड़ा को लड़ाएगा, कभी आदिवासी गैर आदिवासी को लड़ाएगा, कभी ये नक्सली का संरक्षण करेगा, कभी डीपीसी का संरक्षण करेगा, दोनों को लड़ाएगा। इसकी यही कहानी है, उस कहानी की बयान करने आपके क्या इससे साफ होना चाहिए। और एक एक वोट कुत्ते को वोट दे देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, यही बात मैं कहने के लिए। मेरे भाई कोई उपाय आपके पास नहीं है, इस देश को बचाना है, झारखंड को भी बचाना है, तो बाबूलाल जी के हाथों को मजबूत कीजिए, झारखंड विकास मोर्चा को मजबूत कीजिए। इतना ही आपका है, इतना ही प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।